A. Check. Sheh aur Maat kill khatm game over. Sheh aur Maat look again, look closer. Sheh aur Maat teri haar ka paigham hai. Sheh aur Maat honi jeet mere naam hai. Sheh aur Maat kill khatm game over. Sheh aur Maat look again, look closer. Sheh aur Maat teri haar ka paigham hai. Sheh aur Maat honi jeet mere naam hai. Na mumkin hai dushman jeete, nasti har chaal hai dhun par meri. Haathi ghodon ki aawaazein goonje in raaton mein andheri. Khel ko khel samajhne wale har अहमक को इबरत है. ये खेल है राजाओं का, खेल पलटना इसकी फितरत है. हर चाल में मौत लिखी है, हर एक चाल में मस्ती सत्ता है. चाहो बचाना रानी को तो घोड़ा बेमौत मरता है. अकड़ता है हाथी अपनी मगरूर वजनी चाल पर, और बादशाह अकेला हर एक चाल में आहें भरता है. कहानी लिखती है हर प्यादे की कुर्बानी. याद है हर चाल याद है मुझे, रंग याद है उनके जन का खेल किया बर्बाद है. मैंने हुक्मरानी बदल दी, खेल की पलटी जब चाल हा. खलीफा की तलवार उठी, वजीर बना अब ढाल हा. प्यादे चढ़ बैठे हाथी घोड़ों पर, तस्वीर बदल गई. पहले था मेरा नाम, इससे अब खेल ही मेरे नाम हा. शह और मात खेल खत्म, गेम ओवर. शह और मात लुक अगेन, लुक क्लोजर. शह और मात तेरी हार का पैगाम है. शह और मात होनी जीत मेरे नाम है. शह और मात खेल खत्म, गेम ओवर. शह और मात लुक अगेन, लुक क्लोजर. शह और मात तेरी हार का पैगाम है. शह और मात होनी जीत मेरे नाम है. आज फिर मुझे लग रहा है कोई गुनाह किया मैंने. तुझको न चाह के भी चाह लिया मैंने. ना तुझे छू सका, ना तुझे पा सका. जो तू है क्यों हुआ ऐसा. जो मुझे लगा कि तू यूं है. गलत क्या था उस दिन में जब खुदा को फुर्सत मिली. या गलत था वो दिन जब तारों को हसरत मिली. क्यों फिर लग रहा आज क्या गुनाह किया मैंने. तुझे पाना तो है पर लूं कैसे तुझे तुझसे. आज दिल भी न जाने क्यों तेज धड़कता है. न जाने किस बात के लिए भटकता है. चाहता क्या है. तू है तो फिर भी नहीं. तू ना हो तू मानता नहीं. तू आए तो जानता नहीं. पता है शायद कल आज और कल कोई अलग नहीं. ये कह के उसे संभाल लिया. जो दर्द जाहिर न हुआ आज फिर पा लिया. आज फिर पा लिया. ए हीरो, चल निकल. अजीब इंसान है, डरपोक फट्टू. सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो. आई एम सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. प्लीज आई एम सॉरी मैं तो मजाक कर रही थी बस. मजाक?
हेलो गुंडे। लेके तो जा उसको। तुम मैं तुम्हारी वैसे ही सब, तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं क्यों लेके जाऊंगी? ठीक है ले जाऊंगी। काफी खूबसूरत है नावगांव, सुना है अंग्रेजों ने बसाया। यह नया पॉइंट हुआ, सोचा कुछ लोगों से जान पहचान बना लूं, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। कल रात मोहल्ले के पास दो लाशें मिली थी, सुना है उनमें से एक आपके यहां काम करता था। वैसे आपका कौन दुश्मन हो सकता है? वो क्या है ना, अक्सर दुश्मनों के दुश्मन नहीं हुआ करते। इंस्पेक्टर सिंह नाम है मेरा, आप चिंता मत कीजिए, कातिल का पता हम लगा लेंगे। बस आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। सर सर ऑफिस आ गया। हाँ ना यार, क्या लगता है किसने किया होगा? अभी तक तो पता नहीं चला। और ये नया इंस्पेक्टर कौन आया? पूछताछ करने आया था। एक नया अभी अभी शहर में आया है, देशभक्ति का कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सबर करो। चलो भाई देखते हैं, जो भी था मैं पता करवाता हूं। देखते हैं, भाई था वो मेरा, और जिसकी तूने ये किया है ना मैं उसे छोड़ूंगा। रफीक, गुस्से से काम नहीं लिया जाता। और रफीक, इस बारे में बैठ के बात करते हैं, पता लगाते हैं। तेरा भाई नहीं था ना वो, इसलिए
चले रे चलते। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? नहीं निकल पा रहे ना? मुझसे नहीं हो पा रहा, मैंने अपनों को बहुत खो लिया नहीं। राघव तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है, बस इतना कह सकती हूँ कि जो भी है सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं अगर तन्वी जितनी लकी होती ना तो तुम्हें कभी हाथ से नहीं जाने देती। भाईजान सोनू को मार दिया भाईजान, कैसे शांत हो जाओ भाईजान, कैसे शांत हो जाऊं? मुझे नहीं पता, आप जैसे भी हो पता लगाइए, और जिस किसी ने भी ये किया है ना उसकी गर्दन काटकर चौराहे पे ना लटका दी तो मेरा नाम भी रफीक नहीं। भाईजान मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। एक पुलिस इंस्पेक्टर को बंदूक दिखाने का अंजाम जानते हो ना तुम? और तुम घायल सिर की मान में आने का अंजाम तो जानते हो ना? अरे रफीक मियां, हम तो यहाँ जान पहचान बढ़ाने आए थे, आप तो तकल्लुफ करने की बजाय तकलीफ दे रहे हैं, ये बात जरा पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं मियां, आपकी जो पसंद है अगली बार हम बिल्कुल पूरी करेंगे, इस बार आप अपनी पसंद खुद ही पूरी करेंगे। रफीक मियां आपके भाई की मौत का अफसोस है हमें, हमारी पूरी कोशिश है कातिल को ढूंढ निकालने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीजिए अपना काम और मैं भी। जी भाई जान, समझ गया भाई जान, एक
खूबसूरत लड़की तुमसे बात करना चाह रही है, उस दिन के लिए थैंक्स बोलना चाह रही है और तुम उसकी भाव खा रहे हो। हो गया? हो गया मतलब? मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, बात करना चाह रही हूँ तुमसे। बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं। और तू राघव को जानती है क्या? कौन राघव? अच्छा वो एटीट्यूड बॉय, उसका नाम राघव है? जानती तो नहीं हूँ, एक बार मिली थी, उसने मुझे कुंडों से बचाया था, थोड़ी मस्ती कर दी थी। तू भी ना अपनी मस्ती के चक्कर में किसी दिन मरेगी। वैसे तू कैसे जानती हो सर? मैं और वो आज भी उसको बुला नहीं पाया। अब वो लड़की कहाँ होगी? उसकी पढ़ाई खत्म और वो अपने घर। राघव ने उसे जाने दिया? वो तो उससे किसी भी हाल में शादी करना चाहता था ना। हाँ पर जबरदस्ती नहीं, वो उसे पाना चाहता था उसकी मर्जी से। पता है इसमें गलती राघव की नहीं है, शायद तन्वी इतनी कमजोर थी जो उसकी फीलिंग्स कभी समझ ही नहीं पाई। और विशाल क्या वाकई राघव ने अपने दोस्त कहते तो है, हो भी सकता है पर पता नहीं। किस्मत बहुत अच्छी जो तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने हाथों से नहीं लिया। तुमने जो किया है उसके लिए ऊपर वाला खुद तुम्हें। भाईजान हमने आपके आदमी को नहीं मारा, और भला हम आपसे कैसे दुश्मनी ले सकते हैं? भाईजान एक आदमी के जाने से आपको कब से फर्क पड़ने लगा? वो आदमी तुम्हारे भाईजान का छोटा भाई था। सबकी गर्दनें चौराहे पर टंगी होनी चाहिए ताकि जिस किसी ने भी ये किया है उसे पता चले कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है।
लगता है अभी अभी किसी का ज़ेबा करके आ रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि है ना आपकी, ये तो आपका काम है जो आप अपने पूरे धर्म के साथ कर रहे हैं। इंस्पेक्टर सिंह जी, तुम बहुत हरामी आदमी, इधर जैसी चालें चलना बंद कर। मुझे पता है भाईजान, मुझे ना समझने वाला इस जगह कोई नहीं, लेकिन अब मेरी तलाश खत्म हो गई। आप जो करें, इस शहर में जो भी कदम रखता है अपनी हयात साथ रखता है, उससे पहले उसकी हयात हम तक पहुंच जाती है। हमारी बोलियां भी तुम तक। बात याद रखना बेटा, अपने भाइयों का ख्याल रखना अपनी जान से भी ज्यादा, और अपने इस बाप की हालत का बदला जरूर लेना उस महीन सिंह से। उसका परिवार कभी खुश नहीं रहना चाहिए, समझे बेटा? उसका परिवार कभी खुश नहीं रहना। अल्लाह साबरी,
अरे आ गया। आज का दिन कैसे रहा? दिन ठीक ही था। माँ ने खाना खाया? नहीं, पिछले कुछ दिनों से वो ढंग से खाना नहीं खा रही है। तुमसे कितनी बार कहा है कि माँ को टाइम पर खाना दिया करो। मेरी बात तो सुनिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ। तुम्हें पता है ना, आज मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूं। जो एक बेचैनी रहा करती थी ना, वो आजकल कहीं गायब हो गई है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आज अपने बाप की मौत का बदला ले लिया है। उस इंसान से तो नहीं जिसने ये सब किया, वो तो वक्त से पहले ही मर गया, पर उसके बेटे को बर्बाद करके जो सुकून मिला है, विशाल, तेरे बाप ने जो मेरे बाप के साथ किया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मां, रो मत मां, मत रो मां। कुसुम, ऐसे क्या देख रहे हो? देखा नहीं क्या कभी? अंदर नहीं बुलाओगे? ना ऐसा लगता है मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। नजदीकियां बढ़ने लगी, बेचैनियां बेचैनियां बढ़ने लगी है क्यों? लो
उसको मगर ये सोच लो छोड़ो ना। क्यों रहना है ऐसा आपने मेरे सभी है चाहिए मुझको तू ही है हौसला मुझ में अभी ये जाने लो ये मान लो। कैसी ये तन्हाई है इतनी रुसवाई है क्या है खता ये बोल दो यूं मुझसे मुंह मोड़ लो। नजदीकियां बढ़ने लगी लगी है क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ कैसे कहूँ शायद सपना भी हो सकता है पर जो भी है मेरी सोच के बाहर तुम और मैंने सोचा भी नहीं था। पायल पर मैं ये कहना चाहता हूँ क्या तुम ना सोचते बहुत हो राघव ऐसा क्यों पता नहीं मैं बताती हूँ तुम बाहर से जितना सख्त बनते हो ना उतना अंदर से ही नरम दिल हो। तुम हर बात को इतना लाइटली कैसे ले लेती हो क्योंकि तुम लाइटली नहीं ले पाते ऐसे देख क्यों रहे हो आप मैं तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूँ ऐसा क्यों क्योंकि तुम हाँ मैं तुम बहुत खूबसूरत हो वो तो मैं हूँ अरे वाह तुम शर्माते भी हो अब देख के चला गया तो चलते क्यों कोई बात कैसे नहीं अरे आपका नुकसान किया कुछ तो मुझे देना पड़ेगा ना देना पड़ेगा ना कैसे कैसे कम से कम कॉफी तो पिला ही सकता हूँ खूबसूरत लड़की को सॉरी के बदले Thank you.
क्या है नेताजी, ये टेंडर मुझे क्यों नहीं मिला? बैठ जा। आप बैठने की बात कर रहे हो या पूरा का पूरा टेंडर हाथ से निकल गए और आपको आराम की पड़ी? मेरी मंत्री जी से बात हो गई है, कल बुलाया है, वहीं चलकर मामला सॉल्व करते हैं। देखो पृथ्वी, ये टेंडर तो किसी और को मिल चुका है, आखिर अपने लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है, उन्हीं के कारण हम मंत्री बने हैं भाई। पर मंत्री जी, ये टेंडर तो मुझे मिलने वाला था, मैंने सारी फीस समय पर पहुंचाई है। बहुत जोश है तुम में, अच्छी बात है, इसे संभाल के रखो, आगे काम आएगा। और रही बात फीस की, तो तराजू के पड़ने में जिस तरह वजन ज्यादा होता है ना, उस तरह पड़ना चलता है। अगली बार वजन बढ़ा देना और टेंडर ले जाना। अच्छा मंत्री जी, चलता हूँ। सर चाय। यार गिन्नारी, ये लफड़ा क्या है? किसका जनाब? यही राघव और उसके दोस्त का क्या नाम है? विशाल। नेताजी, रफीक, रफीक का बॉस। ये साले अपने आप में खुद को राजा समझते और दूसरों को प्यादा। समझ गया, राजा की भी एक दिन मौत आती है सर। ये सही कहा तुमने, शेह और मात तो होगी, अपना क्या, अपन तो मजे लेते हैं, गेम देखते हैं। आखिर में पता चल ही जाएगा कि शे और मात किसकी होगी। यार भाई साहब, ये चाय जरा ढंग की बनाया करो यार, वरना अगली बार आपकी भी फीस बढ़ानी पड़ेगी। चले किन्नारी? हाँ सर चलिए।
पता था ना किस बारे में बात कर रहा है तू? रफीक कॉलर छोड़ उसकी। तू जानता नहीं था कि विशाल जिंदा है? रफीक, रफीक कॉलर छोड़ उसकी, क्या कर रहा है तू? पूछिए इससे, इसने विशाल को मारा भी था या नहीं? राघव, ये क्या कह रहा है रफीक? छोटे, मेरे आदमियों ने खुद से मारा था। तुम्हारी आंखों के सामने मुझे तो लगता है मेरे भाई को भी उस विशाल ने ही मारा है और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। हमें इस पर रफीक करना ही नहीं चाहिए था। रफीक कॉलर छोड़ उसकी, कॉलर छोड़ रफीक, आराम से बैठकर बात करते हैं। क्या आराम से बैठकर बात करते हैं? आप लोग आराम ही करते रहेंगे, वो एक एक करके हम सबको मार देगा। क्या पकड़ा है तू? वही कह था वो तेरे घर, तुमने सही वक्त पर पहुंच गया और तुम्हारे पर पछता रहा हूं। तो जिसने तुम्हारा टेंडर लिया है वो विशाल का आदमी है, उसका कोई भाई भाई लगता है? ये तो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। हम भी किसी से कम नहीं है। जिस नाव में बैठकर वो इतना उछल रहा है ना, हम उस नाव को भी डुबो देंगे। मरना होगा उसके भाई को, जिससे उसके सारे पैसे बंद हो जाए और वो कमजोर पड़ जाएगा। समझ
ऑर्डर? नेहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। Excuse me, रमन तुम कुछ बोल रहे थे ना? मेरा नाम रमन नहीं, विशाल है। विशाल मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला वो सब झूठ है। पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि मैं राघव का दोस्त विशाल हूँ। कहाँ जा रही है? और छोड़ दो मेरा, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा हाथ पकड़ने की? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? झूठ, उन सभी झूठ की तरह। ये झूठ नहीं है। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी मैंने ऐसा क्यों किया? जो तुमने सुना वो सब सच है। मेरे साथ बचपन से ही गलत होता आया है। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को माँ बाप बनने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वरना औलाद मेरी जैसी हो जाएगी। सेल्फिश, लालची, सब कुछ। उन सब में मेरा बाप भी था। पाल ही नहीं पाया मुझे, पैदा ही क्यों किया। दिन भर गुंडागर्दी करता रहता था। कहते हैं ना, जो कर्मा होता है तो उसको उसके कर्मों का फल मिलता है। पर बाप का बेटे को तो भुगतना ही पड़ता है, जो मैं आज तक भुगतता आ रहा हूं। ऊपर वाले ने एक सीट दी थी दोस्त के रूप में, वो भी छीन लिया। अब कुछ नहीं बचा। तुम ही गए थे ना? हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। पायल भी बहुत दुखी थी। तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुमने पायल से चल के माफी मांग लेनी चाहिए। तुम सही कह रही हो, मुझे पायल से भी माफी मांगनी चाहिए और राघव से, भले ही वो मुझसे कितनी भी नफरत करे। राघव अच्छा इंसान है, वो अभी भी तुम्हें दोस्त मानता है। मुझे पता है वो तुम्हें जरूर माफ करेगा। तुम बहुत अच्छी लड़की, हम अभी वहां चलेंगे। ठीक है, वो जो तुमने प्यार वाली बात कही थी सच थी ना? वो बात सच। Thank you.
भाईजान, मैंने अभी विशाल को क्या तू रुक, मैं वहीं आता हूँ। प्यार हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो पायल। मुझे माफ नहीं करोगी पायल? ड्राइवर जरा गाड़ी वापस घर की तरफ लेना। मुझे राघव से भी माफी मांगनी है, क्या तुम उसे कॉल करोगी? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने अभी तक जो कुछ भी किया और अब जो मैं करूंगा। जल्दी कर चलो। नेहा, मां!
हेलो राघव मेरे दोस्त, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ यार तुझे। आया था तेरे घर मिलने तुझसे, तू नहीं मिला। भाभी जी मिली है, क्या नाम है? अरे हाँ, पायल। बोला था तुझसे गलती कर रहा है मुझे जिंदा छोड़ के, पछताएगा पूरी उम्र। अच्छा चल, तुझे एक चीज दिखाते हैं, मिलवाते हैं किसी से। जानता है इसे? अरे क्यों ना जानता होगा, दोस्त है ना तेरी नेहा, बेचारी शहीद हो गई। समझाया था ऐसे भी। सोचा था मैं भी अपना घर बसा लूं, पगली नहीं मानी। थोड़ा सा इतना सा तकलीफ हुआ मुझे, गलत किया था तूने तन्वी को मुझसे छीन के। रोएगा तू। भाभी जी को देखेगा? पायल, तेरी पायल। अच्छा दिखाता हूं, अच्छा यही है ना? ऐसे है तो सुंदर। मजा आ रहा है बहुत तुझे ऐसा देखते हुए, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बच्चा भी था ना, अब नहीं है और अब ना रहेगा। तू है ना, बहुत तड़पाया तूने, बहुत। मैं कैसे जिया मैं जानता हूं, हर पल तुझे याद किया, हर पल। और तू यहां अपना घर बसाए बैठा है? अबे मैंने सोचा था कि तुझे पछताव होगा, तू अभी भी मेरे इंतजार में होगा, पर ना। तुझे कहां पड़ी है अपने दोस्त की? तूने तो जानबूझकर हटाया था मुझे। अब देख। अब तू पछताएगा। ये तेरी पायल है ना, तेरी पायल है ना, ये मेरी तनवी भी थी। तूने उसे मुझसे छीना, मैं तुझसे बाय वन गेट वन फ्री लूंगा, बीवी के साथ बच्चा फ्री, समझा मदर जात। Thank you.
परमार, ए, उठना, माँ, याद दोस्त की बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था मात।
कौन वो जिस दुनिया में आया ही नहीं, वो बच्चा? दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा तुझे चाहा था। झूठ, तूने मुझसे ज्यादा तन्वी को अहमियत दी, उसे मुझसे बढ़कर माना, उसके लिए मुझे ही छोड़ दिया मरने के लिए। धब्बा है तू दोस्ती के नाम पे, जान से ज्यादा चाहा था मैंने तुझे। चाहा था मैंने भी, पर तूने समझा ही नहीं। तू खुद गर्ज था, तूने हमेशा अपने बारे में सोचा। हाँ सोचा, प्यार तो था ना यार तुझसे। पागल है तू, अगर प्यार था तो मेरी खुशी तुझसे देखी नहीं गई। हाँ मैंने हमेशा तेरी खुशी चाही, पर ये नहीं चाहा कि तेरी जिंदगी में मुझसे भी बढ़कर कोई और हो। पागल है तू, देख तू मेरी जिंदगी में सबसे ऊपर वाले लेवल पे था। माफ कर दे यार, आज तूने सच में मुझे हरा दिया। मैं नहीं, तूने हरा दिया। तू कहता था ना तू जीते या मैं जीतूं बात तो बराबर है, आज दोनों ही हार गए। खुद से खुद को और राघव की जिंदगी। तुम? हाँ मैं।
और मात